हनुमान बेनीवाल जो अच्छा करता मैं अच्छा बोलता हूँ, बुरा करता बुरा बोलता हूँ। माधो सिंह उदित ने ये अच्छा काम किया तो मैं अच्छा ही कह रहा हूँ, लेकिन अभी सुबह उठते ही मैंने कल रात को एक पोस्ट डाली एक लाइन की, उसमें अनेक राजपूत रात की 11-12-1 बजे तक कमेंट कर रहे हैं। मैंने वहां पे उनको समझाने का प्रयास किया कि मैं माधो सिंह उदित को जानता नहीं, माधो सिंह उदित मेरे को नहीं जानता, लेकिन मेरे ही गाँव के पास मोरेड गांव है जो महिपाल सिंह जी मकरणा के पास ही है, वहां का एक नरेंद्र सिंह राठौड़ है जिसका बिजली के करंट आने से दोनों भुजाओं में से हाथ कट गए, उसके 4 मासूम बेटियां हैं, उसके नाम पे ये माधो सिंह उदित ने अपने जो ओमना टाइगर फोर्स का पेज है उसके नंबर डाल के और उन मासूम बेटियों की पढ़ाई लिखाई और लगभग 3,000 या इतने रुपए हर महीने के खर्चा देने का ऐलान करके और अनेक मतलब बड़ा अमाउंट इन्होंने उगाही किया, 3-4 साल तक इन्होंने दिया नहीं। दूसरा एक नखत बना टाइगर फोर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष छेलू सिंह राठौड़, उसने भी उन मासूम बेटियों के नाम पे चंदा उगाया, बच्चियां स्कूल में पढ़ रही थी दलपत सिंह रुनीजा की स्कूल में परबसर में, उनका बस का किराया और फीस नहीं भरी तो उन बच्चियों को बाहर निकालने का मतलब वो हो गया। तो इसी नरेंद्र सिंह का भाई है विक्रम सिंह मोरेड जो अहमदाबाद में रहता, उसने मेरे को पूरी डिटेल बताई। मैंने नरेंद्र सिंह मोरेड से फोन पे बात की, वो बोला दाता यहाँ आए थे या भंवर सिंह रेटा और किरण शेखावत और अनेक और संगठन में गए थे, किसी ने बोला मशीनें देंगे, किसी ने बोला टॉयलेट बना के देंगे, किसी ने रोजी रोटी का अलग, काफी लोगों ने सहयोग भी किया था, लेकिन ये माधो सिंह उदित और छेल सिंह राठौर दोनों ने पीरदान के सामने, एक ने फोन पे रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और माधो सिंह ने नरेंद्र सिंह से बात करके कहा कि हमने पैसा उगाया लेकिन वो पैसा हम बच्चियों के कन्यादान में देंगे। यानी पहले बात तो यह कि माधो सिंह स्वीकार करा कि मैंने चंदा उगाया, वो बच्चियों का बाप नरेंद्र सिंह कह रहा है कि बच्चियों की शादी 20 साल बाद होगी, न जाने जब तक कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा, तो आप क्यों ने जो मेरी बेटियों के नाम चंदा गया उसकी एवरी बना के दे दो। तो वो वहां हाँ कर रहा, हाँ भी कब करा, जब मैं अनेक बार पोस्ट के कमेंट और लाइव आया तब वो हाँ कर रहा। छेलो सिंह राठौर से मैंने फोन पे बात की, उसका खुद का फोन आया, मैं लाइव आ रहा था तो उसने कहा दादा कोरोना हो गया था मेरे घर में मौत हो गई, 6,000 रुपए मेरे पास में है और 25 से 30,000 रुपए मेरे अन्य जो पदाधिकारी उनके पास है, ये 6,000 रुपए में 3 दिन के अंदर नरेंद्र सिंह के खाते में जमा करा दूंगा, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। इधर इस माधा सिंह ने बात की तो वो नरेंद्र सिंह ने यही कहा कि एफडी बना के दे दो, बोला दे दूंगा। उसके बाद इन दोनों ने न एफडी करवाई न खाते में पैसा जमा कराया। बताओ रे इनके सपोर्टरों, माधो सिंह को मानने वाले, ओम मना को मानने वालों, यदि मैं इनकी असलियत उजागर करके और उन मासूम बेटियों का उगया हुआ चंदा उनको गिराना चाहता हूं, क्या मैं पाप कर रहा हूं, क्या मैं समाज को तोड़ रहा हूं, क्या मैं समाज की बुराई कर रहा हूं? क्योंकि जब उन बच्चियों के स्कूल से बाहर निकलने का वो आया तो मैंने पौ डाल के लगभग 55 से 60 हजार रुपए फीस की व्यवस्था कराई, जिसमें मेरा एक पैसा नहीं था, शायद 500 रुपट्टी होगी जिसका कोई मायना नहीं है, लेकिन मेरी पहुंच से 55 से 60 हजार रुपए उनको हुआ, तो उन बच्चियों को रात मिली ना। उसके बाद उगया हुआ मैं पैसा ले रहा हूं और ले नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र सिंह के खाते में जमा करा दो। अब ये कह रहा कि मैं सरकारी फंड है क्या जो मैं करवा दूं, मैं तो कन्यादान होगा। अभी अखबार में छपा दैनिक भास्कर में कि माधो सिंह उदित ने कहा कि यदि सरकार मांगे नहीं मानेगी तो मैं आत्मदाह करूंगा मुख्यमंत्री के घर के बाहर, और नरेंद्र सिंह मोरेड ने कहा कि 20 साल बाद में न जाने कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा, यानी कि माधो सिंह मर सकता है या नरेंद्र मर सकता है, तो नरेंद्र मर गया तो वो चंदा कौन देगा और माधो सिंह मर गया चंदा कौन देगा, भगवान करे इनकी लंबी उम्र हो, मैं लंबी उम्र की कामना करता हूं, लेकिन माधो सिंह का बयान है मैं अभी डाल दूंगा दैनिक भास्कर में छपा है कि यदि नहीं मानोगे मैं आत्मदाह करूंगा, तो भोंगरा क्रास जी में आत्मदाह तो नहीं हुआ था लेकिन आत्महत्या वो हत्या तो हुई है ना, तो फिर कौन देगा।
ओम बना टाइगर फोर्स वालों सुनो, और ओम बना को मानने वालों सुनो, ये लोक देवता राजस्थान में नहीं देश दुनिया में पूजनीय है। कोई कोई कह के वो दारू पी के पड़ के उनके ऊपर, आप ऐसा मत करो। नाम किसी ने नहीं लिया, अरमान मेनीवाल का आप नाम ले रहे हो। मान मैंने भी सुना है, उन्होंने कहा कि जो दारू पी के मर जाते उनकी मूर्तियां लग गई, मेरी सरकार आएगी तो मैं मूर्तियां तोड़वा दूंगा। लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं है कि अरमान मेनीवाल ने ओम मना के लिए कहा है या अन्य के लिए। लेकिन ओम मना टाइगर फोर्स के नाम से राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार कर रहा कि मैंने बेटियों के नाम पे चंदा उगाया है और मैं 20 साल बाद में दूंगा, ये कहां तक का है? आप 20 साल तक उसका ब्याज खाओगे, 20 साल में एफडी कराओगे 3 गुना हो जाता है, यानी 15 लाख रुपए, 5 लाख रुपए यदि उगाया है तो वो 6 साल बाद में 10 लाख होता है, 12 साल बाद में 20 लाख होता है, 18 साल बाद में 40 लाख रुपए होता है। क्या माधो सिंह उधर 40 लाख रुपए देने की गारंटी देता है? मैंने ये भी कहा कि तूने कितना पैसा उगाया उसका हिसाब दे दे ताकि लोगों को पता लगे। तो बताओ रे मेरे राजपूत भाइयों, युवा शेरों, ओम मना टाइगर फोर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम मना के नाम की संगठन चला के चार चार मासूम बेटियों का चंदा उगा के यदि नहीं देता है तो तुम लोग इसकी गुलामी कर सकते।